देखिए ऐसे है कि इस पूरे इलाके में एरिया में करीब करीब 500 करोड़ रुपए का एक और 500-700 करोड़ का एक और 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और पिछले एक साल से कुछ काम चल रहे हैं, कोई 10% हुआ है, कोई 5% हुआ है, पैसा काफ़ी रिलीज हो चुका है। तो हमारी सरकार खासतौर से योगी जी चाहते हैं कि टाइम बाउंड हो और सही चीज़ बने, क्योंकि हमने देखा है कि अखिलेश यादव जी की सरकार में बिना प्लानिंग के बहुत सारा काम हो गया, पैसा लग गया, इमारत खड़ी हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। जैसे भी हम गए थे वृंदावन में, मल्टी स्टोरी पार्किंग बन गई है, जनवरी से खड़ी है, लेकिन वो चल इसी नहीं सकती कि वो मंदिर से इतने दूर है कि वहाँ गाड़ी अगर लोग छोड़ देंगे तो जाएंगे कैसे मंदिर तक। अभी कार्स नहीं है, बसेस नहीं है इको फ्रेंडली, और वो खड़ी हुई है। इसी तरह हम यहाँ आए तो यहाँ पर बनना है मुगल म्यूज़ियम। अब मुगल म्यूज़ियम के अभी नींव नहीं खुद पा रही, उसका स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, कब बनेगा, इस दिसंबर तक उसको ख़त्म होना है, म्यूज़ियम में रखा क्या जाएगा, अभी उस पर रिसर्च भी शुरू नहीं हुई है, शोध भी नहीं किया जा रहा है। तो एकदम हैपेज़र्ड योजनाएँ हो रही हैं, और हम हाट देखने आए थे, ये लोग गिराना चाहते हैं पुरानी हाट, तो देखने आए थे कि बिल्डिंग कैसी है। अब अगर सब चीफ इंजीनियर्स ने लिख दिया है कि गिर रही है और ख़तरनाक है, तो कैबिनेट पे इस पर डिस्कशन करेंगे, राय लेंगे और सारी योजनाओं को उचित रूप से और बेहतर तरीके से, क्योंकि अब योजना अप्रूव्ड है, पैसा निकल चुका है तो पूरा करना है, लेकिन जब पूरा हो तो वो एक अच्छी तरीके से वो मॉन्यूमेंट खड़ा हो, वो इमारत खड़ी हो, उसकी जिस मकसद से बनाया जा रहा है वो मकसद पूरा हो। तो हम इसी तरह से हर जगह पर अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अब हम अयोध्या जाएंगे, हम वाराणसी जाएंगे, हम बुद्धा सर्किट पे जाएंगे, हज़ारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, 3-4 हज़ार करोड़ का। तो एक बार निरीक्षण करके देखेंगे कि पैसा ठीक से लगे और पानी में ना बहे। खामियां तो आपको बता ही रही हूँ कि प्लानिंग है नहीं, काम बन रहा हो रहा है, एक एजेंसी तय हो गई है, प्री फैब्रिकेटेड पूरी बिल्डिंग बनाएंगे, कौन बनाएगा, क्या नमूना होगा, अभी उसका कुछ चर्चा नहीं है, नींव खोद के छोड़ दिया है, 125 करोड़ रुपया पड़ा है, तो ये वेस्टेज है, देखिए तो गलत बात है। अब इसी तरह से मैं हर तरफ देख रही हूँ, अभी मैंने यहाँ पर आपने देखा कि ताज के पेरीफेरी में जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, काम तो बुरा नहीं है, लेकिन आपने जिन जो पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाई, वहाँ गाड़ियाँ पार्कड हैं, वहाँ स्कूटर स्टैंड बन गया है, वहाँ लोगों ने अपनी कुर्सियाँ रख के खाने का जगह बना लिया है, तो कोई देखने वाला नहीं। ओपन यूरिनल्स देखे मैंने, खुले हुए जो मूत्रालय हैं वो कितने गंदे हैं, नालियों में सीधे जा रहे हैं तो गंद उठती होगी। आज तो मान लीजिए यात्री नहीं है, पर जब आते होंगे पर्यटक तो गंद उठती होगी। बाज़ार में लपका संस्कृति यहाँ पर बहुत बुरी तरह से ग्रस्त है, और विदेशी जो आते हैं उनको बहुत नाराज़गी इस बात से, सैकड़ों की चिट्ठियाँ पत्र मंत्रालय को प्राप्त हो रहे हैं। कल मेरी मुलाकात अपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री से हुई थी, उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त की, और हम लोगों ने कल ये उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, और आज मैं अभी जिलाधिकारी महोदय से, आईजी महोदय वगैरह से बात करूंगी। तो देखिए इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। भारत में अगर कोई आता है तो सम्मान समेत वापस जाना चाहिए। तो ये सब आगरा काफी महत्वपूर्ण शहर है ना, तो आगे क्या बेहतरी के लिए, पहले जितना धन दिया है वो लग जाना चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक की भी 3-5 योजनाएं, जिसमें 2-3 योजनाएं यहाँ की हैं, उन पर भी हमने अभी उसको हम फिर से कर रहे हैं, टेंडर कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों ने अपने टेंडर डाले उन लोगों को टेक्निकली ठीक नहीं लगे। अब ताजमहल को सीधे जो है वो लाल किले से जोड़ने की जो योजना है, 1.5 किलोमीटर की वॉक है जंगल के थ्रू, वो भी अच्छी है। लेकिन अब जो भी काम हो वो सही एजेंसी करे, क्वालिटी वर्क हो, क्योंकि क्वालिटी काम की अच्छी नहीं हुई है पिछले दिनों में। रिवर फ्रंट की बात की जा रही है, रिवर फ्रंट डेवलप किया जाएगा जिससे कि यमुना किनारे थोड़ा अच्छा हो सके। अब रिवर फ्रंट पे तो जगह जगह काम हो ही रहा है, आपने देखा वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, अभी मेरे सामने प्रोजेक्ट आया नहीं है। पहले एक साथ सारे दरवाजे मत खोले, पहले देखे क्या पानी है खोले, बल्टी मैडम एक्शन तो लगातार लिए जा रहे हैं, एक्शन का कोई रिजल्ट भी दिखाई देगा। 5 सप्ताह हुए हैं और 15 साल का कचरा है, तो उसको देखिए, दूर करें, मेहनत तो हो रही है ना। आज कौन सा महीना, 2 बजे दिन में हम लोग घूम रहे हैं, अभी मैं निकल रही हूँ, मंत्री जी दूसरे मंत्री आ रहे हैं ऊर्जा वाले, तो सारे प्रशासन को समझाना है काम करने वालों को कि हम लोगों की निगाह है, हम निगरानी कर रहे हैं, काम दुरुस्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं, आलस नहीं,
15 छुट्टियां काट दी गई हैं, 9 बजे से कार्यालय में आना है। हाँ तो ठीक है, अगर हम फेल हैं तो 325 से आए, अगली बार 400 आ जाएंगे, हम फेल ही रहे तो ठीक है।